दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्या सुमंगला योजना के विषय में। अगर आपके घर में बेटी है तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना में अकाउंट ओपन कराती है, जिसके तहत अभी तक उसकी पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये सरकार प्रदान करती थी, लेकिन हाल ही में इस रकम को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन जितने भी यूजर हैं, जितने लोगों ने भी कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। उनके लिए क्या है, उनके जो फादर्स हैं, मदर्स हैं लड़की के, उन सभी को अपना आधार अपडेट करना है। तो आज हम यही जानेंगे कि आपको कन्या सुमंगला योजना में आधार अपडेट कैसे करना है। आधार अपडेट करने के बाद जो एलिजिबल पर्सन है उनके लिए 75,000 रुपये सरकार अलग अलग चरणों में देती है, जो कि 6 स्टेज में डिवाइड होता है पूरा रुपये। और इसका पूरा प्रावधान मैं बताऊँगा कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन आज का जो मेन अपडेट है वो है आधार अपडेट का। तो उसके लिए आपको जाना होगा कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्प मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। कन्या सुमंगला योजना का अपडेट पाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कन्या सुमंगला योजना है क्या, इसमें आवेदन कैसे करना है, इसमें स्टेजेस क्या है वगैरह सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, अगर आपके घर में 2 बेटी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम केवल बेटियों के लिए है। आपके घर में अगर 2 बेटी हैं तो आप कन्या सुमंगला योजना के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप इसे वॉच कर लें और आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो अपडेट है उसके लिए आपको कन्या सुमंगला योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही वेबसाइट महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए पहला ही अपडेट आपको मिल जाता है, आधार ऑफ एप्लीकेंट फादर मदर एंड बेनिफिशरी इज मैंडेटरी फ्रॉम 10 अक्टूबर 2022। 10 अक्टूबर 2022 से माता और पिता दोनों के आधार अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले पाएंगे। आप चाहे पुराने यूजर हों या अभी आप हाल ही में इसके लिए आवेदन कर रहे हों, सभी को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे अपडेट करेंगे इसके लिए आपको देखिए शीघ्र संपर्क का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर एक नागरिक सेवा पोर्टल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जब आपने अप्लाई किया है या आपने कराया होगा तो वहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी मिली होगी और एक पासवर्ड मिला होगा, वो दोनों यहाँ पर डालना है। अगर आपको पता नहीं, आप भूल चुके हैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो यूजर आईडी भूल गए हैं, इस पर क्लिक करना होगा। तो आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया होगा वो मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद जैसे उसे डालकर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो यूजर आईडी है वो आपके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप फिर से वापस आएंगे और अपना यूजर आईडी जैसा कि मैंने आपको बताया वो डालकर लॉगिन करना होगा नागरिक सेवा पोर्टल पर जाकर। अपना जो भी यूजर आईडी या लॉगिन आईडी आया वो और पासवर्ड, अगर पासवर्ड भी भूल गए तो पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करके आप इसे रीसेट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन करें। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला ही अपडेट आता है, प्लीज़ अपडेट योर आधार डिटेल्स फर्स्ट क्लिक हियर टू अपडेट आधार। तो आपको यहाँ पर पहले ही आधार अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप प्रेफर क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पर आधार नंबर अपडेट करें का ऑप्शन मिलता है और आपकी लॉगिन आईडी ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी होगी, मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अप्लीकेंट नेम, मदर का जो भी है उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, और यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो डालना है। डिक्लेरेशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप ये कैप्चा कोड देखेगा, वो डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बालिका के पिता का नाम जो है वो दिया है, उनका भी आधार यहाँ वेरीफाई करना है, वो भी सेम प्रोसीजर आपका बन जाता है। वहीं अगर बात करें जो लड़की है उसका भी आधार कार्ड यहाँ पर डालना है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर दिया है, अगर लड़की 2 साल से छोटी है तो आपको उनका आधार यहाँ पर वेरीफाई कराना मैंडेटरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके माता और पिता दोनों का आधार यहाँ पर अपडेट करके वेरीफाई कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आपका जो भी किस्तें वगैरह है वो नहीं आएंगी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है।
और भी आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो वीडियो मिलेंगे, आप एक वीडियो कोई भी देखेंगे, यहाँ पर देखा मैंने बता रखा है रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप, मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताया है यहाँ पर कि आप कैसे कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था, आप आधार जरूर अपडेट करें, फर्दर जो भी आपका बेनिफिट है वो आप पा सकें। तो वीडियो या जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं और उसके लिए न्यू वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, हम उसके लिए नया वीडियो एक बनाकर देंगे, क्योंकि कभी प्रोसीजर में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता रहता है समय समय पर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।